अध्याय दो। अलग अलग पर हम एक जैसे। बच्चों, हम सभी के हाथ, पैर, मुंह, नाक आदि अंग होते हैं, फिर भी हम एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। हम एक दूसरे को देखते ही पहचान लेते हैं। एक जैसे होते हुए भी हम एक दूसरे से अलग कैसे हैं, आओ पता करें। आइए हम एक गतिविधि करते हैं। दो दोस्तों की दाई हथेली का चित्र बनाते हैं एवं तुलना करते हैं। क्या दोनों की हथेलियां समान है? नहीं। किसकी हथेली बड़ी है? पहले चित्र की हथेली बड़ी है। किसके हाथों की उंगलियां छोटी है? दूसरे चित्र के हाथों की उंगलियां छोटी हैं। जैसा आपने दाएं हाथ का चित्र बनाकर गतिविधि की है, वैसे ही अब जमीन में पैर का चित्र बनाकर गतिविधि कीजिए। क्या दोनों के पंजे बराबर हैं? नहीं। किसका पंजा लंबा है? पहला पंजा लंबा है। अब अपने दो साथियों के चेहरे को ध्यान से देखिए। क्या दोनों के चेहरे एक जैसे हैं? नहीं। किसका चेहरा लंबा है? दूसरा चेहरा लंबा है। कक्षा के बाकी बच्चों के चेहरे को भी देखो व पता लगाओ कि किन किन बच्चों के चेहरे गोल हैं और किन के लंबे हैं। इस चित्र में सबसे लंबा व सबसे छोटा कौन है? 1, 2, 3, 4, 5। नंबर 2 का चित्र सबसे लंबा और नंबर 4 का सबसे छोटा है। इसी प्रकार आप अपनी कक्षा के बच्चों के ऊंचाई पता कीजिए। इस प्रकार हमने जाना कि हम सभी के शरीर के अंग एक जैसे होते हुए भी आकार व बनावट के आधार पर एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। बच्चों, इन्हें पहचान कर बताइए कि ये कौन है। छोटा भीम, मोटू, पतलू। अरे वाह, आपने तो इसे बिल्कुल जल्दी पहचान लिया। लेकिन सभी के दो हाथ, दो पैर, दो आंखें आदि एक समान है, फिर भी आपने इसे पहचान लिया। पता है कैसे? चलिए जानते हैं। जिस प्रकार इसके शारीरिक अंग एक समान है, परंतु इसके अंगों की बनावट एक दूसरे से अलग अलग है, इसलिए हम इन्हें आसानी से पहचान पाए। इसी तरह हर व्यक्ति की एक अलग विशेषता होती है, जिससे हम उन्हें पहचान पाते हैं। अब आप अपने तीन दोस्तों के नाम लिखकर उनके पहचान के लिए उनकी खास बातें लिखिए। इस पाठ में हमने सीखा, अलग अलग पर हम एक जैसे हैं।